आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल पर एक बार फिर से कटाव का खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले भी अनुमंडल को बचाने के लिए गंगा में कटाव निरोधी कार्य के रूप में लगभग 100 करोड़ का खर्चा किया जा चुका है। इसके बावजूद एक बार फिर मनिहारी गंगा नदी के तट पर बसी गांधी टूला और बाघमारा में तेज कटाव को लेकर मुख्यमंत्री भी बाघमारा और गांधी टूला के निरीक्षण के बाद कैबिनेट में पास करवाकर लगभग 40 करोड़ से अधिक राशि से 2.5 किलोमीटर से अधिक इलाके में काम शुरू करवाया है। यह काम 30 जून तक पूरा हो जाना था, मगर झारखंड में बोर्डर आपूर्ति होने के हवाला देकर संवेदक काम की गति को धीमी कर दिया है, जिस कारण लगभग 10 लाख की आबादी पर संकट छाया हुआ है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस बार अगर कटाव तेज हुआ तो पूरा अनुमंडल इसके जद में आ सकता है। सरकार के आदेश के बावजूद काम में शिथिलता को लेकर स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। वहीं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद भी मुख्यमंत्री के पहल के बावजूद इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर संवेदक की शिथिलता पर जिला प्रशासन के एक्टिव नहीं होने की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि संवेदक के साइट मैनेजर बोल्डर आपूर्ति होने की स्थिति में तेजी से काम पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं। क्या है बाढ़ और कटाव के रेड जोन कहे जाने वाले मनिहारी अनुमंडल में कटाव निरोधी कार्य को लेकर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट। जो है ये ठग ठगाई वाली बात हो रही है। 106 करोड़ तो पहले लुटा गया, अब ये 47 करोड़ लूटने का ये सिस्टम बना हुआ है। ये अभी जो लोग ठेकेदार, ये ठेकेदार का मुंशी ये बता रहे हैं कि बोल्डर आ रहा है, जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। जब बोल्डर का मुहैया नहीं हुआ था तो फिर काम चालू क्यों हुआ? ये 30 तारीख तक उनको काम करना है, 49,000 MQ बोल्डर मंगाना है और अब तक मोटा मोटी हमारे हिसाब से 1,000-2,000 से ज़्यादा बोल्डर नहीं आया है। तो क्या ये कटाव बच सकता है क्या? शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। अच्छा, कितना संकट है मनिहारी? बहुत बड़ा संकट है, कई पंचायत इससे प्रभावित हो जाएगा, रेलवे बाधित हो जाएगा, ये कट जाएगा। शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, कोई बात नहीं। फिर वही डाक का 3 पात, सब घोटाला करने के साजिश है ये। 30 तारीख तक काम नहीं हो पाएगा, ये बोल्डर नहीं आ रहा तो फिर आपने काम में हाथ क्यों लगाया? ठेकेदार का तो पेमेंट रुकना चाहिए, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक 1 रुपया पेमेंट नहीं होना चाहिए। मेरा नाम आलमगीर है, मैं समाज सेवी मनिहारी। संकट हो रहा है, बोल्डर की कमी हो रहा है क्या? बोल्डर टाइम से आ नहीं पाया सर, वहाँ से जो साहिबगंज से जो बोल्डर आना था हम लोगों को टाइम से मिल नहीं पा रहा है सर। वहाँ के माइनिंग ऑफिसर से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम चला है सर। तो क्या इससे तो बड़ा संकट आ सकता है, कटाव जैसे समय समय तो बाहर कटाव का समय आ रहा है, पूरा नहीं हो पाएगा समय पर काम? नहीं नहीं सर, पूरा हो जाएगा सर, अभी बोल्डर का आना शुरू हो गया है सर, आज से नाव शुरू हो जाएगी, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो समय से काम हो जाए। क्या नाम? वीरेंद्र कुमार सर। क्या है? साइड इंचार्ज सर। अभी कितना बोल्डर आया हुआ? बोल्डर 80 गाड़ी आया हुआ सर विजिट करने के लिए। तो जो काम होना चाहिए था वो काम अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, और ये जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो भी यहाँ स्थल निरीक्षण करने आए थे, तो हम जल संसाधन मंत्री से गुहार लगाएंगे कि आकर के अपने स्तर से इसकी जांच कराया जाए। अभी हमको अधीक्षण अभियंता से बात हुई दूरभाष पर, तो उसने बताया कि 49,000 MQ बोल्डर की आपूर्ति संवेदक को करना है, जिसमें कि अभी 1,000 से 1,500 MQ ही बोल्डर स्थल पर आया हुआ है, और आप लोग भी देख रहे हैं कि अभी जो है NC का ही काम हो रहा है, जबकि इसमें 5 लेयर यानी कि 10 फीट बोल्डर क्रिएटिंग करते हुए ऊपर तक आना है। अभी तक एक लेयर में भी 1/4 भी नहीं कहा जाए जो कि काम हुआ है। ऐसे हमारे DM साहब, SP साहब, पूर्णिया आयुक्त भी आकर के विजिट किए हैं, लेकिन उसके बाद भी संवेदक पर दबाव नहीं बन रहा है, और संवेदक का क्या जाएगा? जाएगा मनिहारी वासी, अहमदाबाद वासी। अगर ये कट जाता है तो हम लोग जिला मुख्यालय से कट जाएंगे, कम से कम 25 से 30 पंचायत इससे प्रभावित होगा, और नगर पंचायत तो प्रभावित होगा ही। आप देख रहे हैं कि यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर जो है रेलवे लाइन
है, अगर कटाव लगता है तो एक से डेढ़ घंटे में एक कट जाएगा। कब तक काम पूरा होना? 30 तारीख तक का डेडलाइन था काम पूरा होने का, लेकिन अभी तक एनसी का जो है काम आपका 60% हुआ है और बोल्डर का काम तो 2% भी 1% भी नहीं हुआ है। क्या उम्मीद? देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।